Hello children, welcome back to Magnet Brains. आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे का A slum up की और कैसे slum areas के लोग हमारे सिटी को क्लीन रखने में मदद करते हैं isn't it? कैसे चिल्ड्रन वो रिसाइकिल करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स का और उसके बाद नई नई चीजों का जन्म लेते हैं राइट सो चिल्ड्रन अब हम लोग करेंगे उसी चैप्टर की एक्सरसाइज और करेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व ओके सो लेट्स बिगिन एंड डू दिस एक्सरसाइज टुगेदर सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज यूज फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें आपके पास है स्टेटमेंट और आपको इसके अंदर लिखना है आंसर द ओनली थिंग इज दैट दैट दिस टाइम यू आर नॉट गेटिंग द हेल्प बॉक्स लेकिन हेल्प बॉक्स की क्या जरूरत है क्योंकि चैप्टर ही इतना अच्छा था और हम सबको इतने अच्छे से समझ भी आ गया है तो आंसर अपने आप हम फिल कर लेंगे ओके सो लेट स्टार्ट एंड सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स धारा is up चिल्ड्रन एज यू रिमेम्बर इन द चैप्टर वी लर्न अबाउट द स्लम एरिया जिसका नाम था धारावी ओके okay? धारावी क्या है धारावी है एक स्लम एरिया जो कि है महाराष्ट्र में राइट right? और वहां के लोग क्या करते हैं वहां के लोग चिल्ड्रन पूरी जो शहर में गंदगी होती है उसको पिक करते हैं और सारी चीजों को धारावी में ला करते हैं रिसाइकल और नई नई चीजों को बनाते हैं इज इंट इट सो यहाँ पे सिंपली यू विल है

इस तरह से नाला सुपारा का नाम अगर आपने सुना होगा तो वो भी एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है काफी बड़े एरिया में ये स्लम फैले हुए हैं तो उसमें से एक धारावी तो है ही जिसके बारे में हमने चैप्टर में जाना और पढ़ा ओके सो धारावी इज अ स्लम एरिया चिल्ड्रन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पिकअप लिटर ओके okay, अब सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि लिटर क्या चीज़ है क्या बला है लेटर सो चिल्ड्रन लिटर जो भी गंदगी जो भी वेस्ट चीजें होती हैं वो ओके okay, तो उसको हम क्या कहते हैं लिटर लिटर एक तरह से आप मान लीजिए गार्बेज भी हो सकता है कूड़ा कचरा ओके ऑल दोज थिंग्स विच हैव बीन थ्रोन जिसको हमने कचरा बना दिया है जिसको हमने गार्बेज और वेस्ट चीजें बना दी हैं ओके द क्वेश्चन इज डैश पिकअप लिटर कौन ये लिटर पिक करता है कौन ये लिटर चिल्ड्रन इकट्ठा करता है उठाता है कूड़ा करकट में से सो चिल्ड्रन चिल्ड्रेन पीपल हु पिक अप लिटर्स फ्रॉम द सिटी आर नोन एज रैग पिकर्स ऑल राइटर ऑल्सो लर्न अबाउट दीज रैग पिकर्स कि कैसे मुंबई की स्ट्रीट्स को ये लोग क्लीन करते हैं सारी गंदगी जो हमने ग्लास अपने प्लेट्स जो फैलाए होते हैं उनको वो कैसे एक एक करके इकट्ठा करते हैं और अपने पीछे पोटली में डाल राइट सो चिल्ड्रन दो पीपल हु पिकअप एंड मेक द सिटी क्लीन आर नोन एज रैग पिकर्स ओके सो सिंपली यू विल हैव टू राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ रैग पिकर्स ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ये लिख लेने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में धारावी वर्कर्स डैश द वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। अब चिल्ड्रन धारावी की बात हो रही है इस्लाम एरिया है और धारावी में जो लोग होते हैं दे आर नोन एज धारावी वर्कर्स नाउ द क्वेश्चन इज धारावी वर्कर्स डैश द वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स चिल्ड्रन धारावी के जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वेस्ट को न्यू प्रोडक्ट्स में वो कैसे बदल देते हैं वॉट डू दे डू विद दोडक्ट्स सो चिल्ड्रेन जब भी हम कोई चीज को फेंकते हैं और अगर हमें उससे कोई नई चीज बनानी होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीसाइकलिंग। साइकिलिंग ऑल राइट सो धारावी वर्कर्स रीसाइकल द वेस्ट इन टू न्यू प्रोडक्ट्स क्या करते हैं रीसाइकल करते हैं इज इंटेड और फिर से उसको दोबारा से एक नई चीज के रूप में उसको आकार देते हैं एक नया प्रोडक्ट हमारे सामने लाते हैं ओके सो धारावी वर्कर्स रिसाइकल द वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। नाउ धारावी इज सिचुएटेड इन अब इतनी बातें हो रही है धारावी की कि धारावी में ये होता है वो होता है धारावी के जो वर्कर्स होते हैं वो रिसाइकिल कर देते हैं वेस्ट को न्यू प्रोडक्ट्स में तो भाई ये धारावी आखिर है सो चिल्ड्रन धारावी इज इन मुंबई महाराष्ट्र ओके okay? मुंबई के बारे में सुना है जहां पे सब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स रहते हैं ये चिल्ड्रन मुंबई इज अ सिटी इन महाराष्ट्र ओके और चिल्ड्रन मुंबई क्या है महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी भी है ऑल राइट सो मुंबई में ही एक जगह है एक एरिया है जिसका नाम है धारावी जो कि है स्लम एरिया सो so, धारावी इज सिचुएटेड इन मुंबई आमची मुंबई ओके तो ये है आपके फिल इन द ब्लैंक्स अब आगे बढ़ेंगे और करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व यस वर्कर्स टेकआउट डैश फ्रॉम द वायस तो जो वर्कर्स है जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि रिसाइकिल करते हैं और नया सामान बनाते हैं वेस्ट को न्यू प्रोडक्ट्स में बदलते हैं तो चिल्ड्रन उस चैप्टर में हमने ये भी जाना था कि जो वर्कर्स होते हैं वो वायर्स जो हम फेंक देते हैं कि कचरा है ये वेस्ट वाला वायर है उसको फेंको उसमें से क्या निकालते हैं वॉट डू दे टेक आउट फ्रॉम वायर्स यस इलेक्ट्रिकल वायर्स पे से वो क्या चीज निकालते हैं सो चिल्ड्रेन डोंट फॉरगेट वर्कर्स टेक आउट मेटल्स फ्रॉम वायर्स क्या निकालते हैं दे टेक आउट द मेटल्स फ्रॉम फ्राम वायर्स चिल्ड्रेन तो so, को क्या करते हैं वायर्स में से मेटल्स निकालते हैं फिर मेटल्स से चिल्ड्रन न्यू न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं ओके okay? सो so, ये उनका एक काम है कि जो भी वायर्स है उसको लाओ और उसमें से मेटल्स निकालो और मेटल से फिर नई चीजों का जन्म दो ओके okay? ना मैच इन द ब्लैंक्स हो गए आपके पूरे अब आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आपकी लाइकिंग का है इज मैच द फॉलोइंग नाउ चिल्ड्रन यू कैन सी द पिक्चर्स हियर एंड द नेम्स गिवन हियर यू नीड टू मैच द पिक्चर्स विद इट्स राइट नेम ओके सो इन द फर्स्ट पिक्चर व्हाट यू कैन सी एक बंदा है वो क्या कर रहा है चिल्ड्रन उसने बहुत सारे प्लास्टिक को क्या किया है इकट्ठा करा हुआ है और वो उससे क्या करने की कोशिश कर रहा है चिल्ड्रन सो इन द चैप्टर चिल्ड्रन हमने पढ़ा था कि जो धारावी के वर्कर्स होते हैं वो लोग प्लास्टिक का क्या बनाते हैं फ्लफ बनाते हैं और फ्लफ को क्या करते हैं हम पिलोज में भरते हैं और पिलोज को हम क्या करते हैं बिल्कुल गद्देदार कर देते हैं है ना बिल्कुल फोमी फोमी कर देते हैं कैसे कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या भरा होता है फ्लफ भरा होता है और फ्लफ कैसे बनता है चिल्ड्रन फ्लफ इसी तरह से बनता है कि प्लास्टिक से क्या करो फ्लफ बनाओ एंड देन पुल्ड इन साइड द पिलोज और द बेन बैग्स और उससे क्या कर लो उसको फ्लफी फो -फ्ल� बनाओ ताकि आप उसमें जब बैठो तो आराम से क्या हो आप सो so, सको बैठ सको कंफर्टेबली ओके सो द फर्स्ट पिक्चर विल बी मैच विद द चिल्ड्रन फ्लफ ऑल राइट नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी सो वायर्स वायर्स आर देयर है ना और वायर्स में से क्या निकलता है वायर्स में से से निकलता है मेटल सो वायर हम क्या करेंगे चिल्ड्रन यहाँ निकालेंगे मेटल अभी अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन किया था तो ये क्वेश्चन तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता है कि वायर्स में से चिल्ड्रन हम मेटल्स निकालते हैं और मेटल से हम न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को बनाते हैं

लाल लाल प्लास्टिक एक जगह और फिर चिल्ड्रन वो येलो प्लास्टिक रेड प्लास्टिक से ही कोई नई नई चीज़ों को बनाएगा न्यू प्रोडक्ट्स को बनाएगा जो कि हम जाके खरीदेंगे ओके सो दिस वन पिक्चर विल बी मैच्ड विद द प्लास्टिक चिल्ड्रन बिकॉज इससे ही क्या बन रहा है न्यू प्रोडक्ट्स बन रहा है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ओके सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन चिल्ड्रन अगर मैं नंबरिंग कर दूं सो फ्लफ इज वन योर मेटल इज सेकंड एंड योर प्लास्टिक इज थर्ड ओके okay, तो अगर आपने ये एक्सरसाइजेस आराम से सॉल्व कर ली है दैट मींस आपने चैप्टर को बहुत मन लगा के सुना था और इसलिए नाउ यू हैव नो इश्यूज यू कैन एब्सोल्युटली सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑल राइट सो चिल्ड्रन ये थी हमारी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर अस्लम क्लीन सा ओके okay, अब एक इंफॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं जाना है गूगल क्रोम पे लिखना है डब्ल्यू उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसपे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर वन हंड्रेड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नीचे दिए रहेंगी क्लासेज नाउ फॉर एग्जांपल यू आर इन क्लास टू क्लिक द बटन क्लास टू उसके बाद सारे टीचर्स विद्यस सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे नाउ फॉर एग्जांपल आपको जीके पढ़ना है क्लिक वॉच नाउ जीके आपको सारे जीके के चैप्टर रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे अब फॉर एग्जांपल आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो देखने का मन कर रहा है प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट सो ये था आपका चैप्टर असलम क्लीनसअप नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर सो बने रहना मैग्नेट ब्रेन के साथ और लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना क्योंकि मैग्नेट ब्रेन ए दर गार्डन टू ग्रेट ट्वेल्थ फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन थैंक यू